किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने घोंसले पर बैठी रहती है, तभी वहाँ बाजू चील आ जाता है और बोलता है, अरे टूनी चिड़िया, अभी तक तुम जंगल छोड़कर नहीं गई? अभी तक तुम यहाँ क्या कर रही हो? जल्द से जल्द जंगल छोड़कर चलो, मैं तो जंगल छोड़कर जा रहा हूँ। अरे चील भाई, आप जंगल छोड़कर जाने की बात क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या हुआ है जंगल में जो सभी पक्षी जंगल छोड़कर जा रहे हैं? अरे टूनी, तुम्हें नहीं पता है कि हमारे जंगल में एक किडनी चोर कौवा घुस आया है, इसी कारण सभी जंगल छोड़कर भाग रहे हैं। मैं भी जंगल छोड़कर जा रहा हूँ। वो तो तुम मिल गई, इसलिए मैं रुका। तुम्हें चलना है तो चलो, नहीं तो मैं चला। मैं तो चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। तुम्हें पता है वह कभी भी यहाँ आ सकता है, उसने तो बहुत से पक्षियों के घोंसले पर हमला भी कर चुका है। चील भाई, मैं आपके साथ जरूर चलती, पर मैं क्या करूं? यहाँ पर तो मेरे अंडे हैं, मैं अपने अंडों को छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकती ना। वो सब तो तुम जानो चिड़िया बहन, मैं तो चला अपनी जान बचाने, वह चोर कभी भी यहाँ आ सकता है। ऐसा कहकर चील वहाँ से चला जाता है। किडनी चोर कौवा के डर से सभी पक्षी जंगल छोड़कर जा रहे थे। रानी चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे घोंसले में बैठे हुए थे, तभी वहाँ पर वह किडनी चोर कौवा आ जाता है। आज तो पूरा जंगल खाली है, सभी पक्षी मेरे डर से जंगल छोड़कर चले गए हैं। अब मैं किस पक्षी का किडनी निकालकर अपनी भूख मिटाऊंगा? अरे यहाँ तो दो बच्चे बैठे हुए हैं, चलो अब इन दोनों का ही किडनी निकाल कर खाता हूँ। इतना कहकर वह किडनी चोर कौवा उन दोनों के पास पहुँच जाता है और उनको देखने लगता है। कौवा को देखकर बेचारे नन्हे नन्हे बच्चे डर जाते हैं, क्योंकि वह कौवा बहुत ही डरावना था। अरे अब तुम दोनों को डरने की जरूरत नहीं है, बंद करो ये डरना। अब तुम्हें सीधे मुक्ति मिलेगी, अब तुम्हारे मम्मा तुम्हें बचाने भी नहीं आएंगे। यह कहकर वह कौवा उन बच्चों का किडनी निकाल लेता है। और इधर उन बच्चों की माँ रानी चिड़िया एक जगह बैठकर कहती है, अरे आज तो मैं उस किडनी चोर कौवा से बच गया। अगर वह चोर मुझे पकड़ लेता तो मेरे किडनी ही निकाल लेता। मैं तो यहाँ सुरक्षित हूँ, पर मेरे बच्चों का क्या होगा? कहीं वह कौवा तो वहाँ नहीं पहुँच गया? मेरे बच्चे तो अभी उड़ भी नहीं सकता। ऐसा करती हूँ, मैं वहाँ पर चली जाती हूँ। ऐसा कहकर रानी चिड़िया वहाँ से उड़ते उड़ते वहाँ पहुँच जाती है। और जब वह अपने बच्चों के पास पहुंचती है तो उसका तो होश ही उड़ जाती है, क्योंकि उसके दोनों बच्चे मरे पड़े थे। अरे ये क्या हो गया? किडनी चोर कौवे ने तो मेरे दोनों बच्चों की किडनी निकाल लिया। अब मैं इस जंगल में कभी नहीं रहूंगी, नहीं तो वह भी मेरी किडनी निकाल कर मार डालेंगे। इतना कहकर रानी चिड़िया वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया अपने अंडों के पास बैठकर उसकी रक्षा कर रही थी, तभी वहां पर रानी चिड़िया आ जाती है। अरे टूनी चिड़िया, तुम्हें पता है वह जो जंगल में किडनी चोर कौवा आया है, उसने मेरे दोनों बच्चों की किडनी निकाल कर खा लिया, इसलिए मैं ये जंगल छोड़कर जा रही हूँ। क्या रानी बहन, तुम सच कह रही हो? अब तो मुझे बहुत डर लग रहा है, अब मैं कैसे इस किडनी चोर से अपने अंडों को बचाऊं? अरे टूनी बहन, मैं तो कहती हूँ कि तुम अपने अंडों को लेकर दूसरी जंगल चली जाओ, नहीं तो वह किडनी चोर कौवा कभी भी किसी वक्त यहाँ आता होगा। मैं तो चली यहाँ से। इतना कहकर रानी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अरे जंगल के सभी पक्षी कहाँ चले गए? मुझे तो कोई पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं। मुझे तो आज कोई किडनी भी नहीं मिली है। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे एक किडनी चाहिए। ऐसा करता हूँ, आगे जाकर देखता हूँ अगर कोई पक्षी मिल जाए। पूरे जंगल के पक्षी चले गए हैं, अब तो मुझे बहुत डर लग रही है, कहीं वह कौवा यहाँ पर भी न आ जाए। ऐसा करती हूँ, उससे पहले कि कौवा आ जाए, मैं अपने अंडों को पत्तों से ढक देता हूँ, जिससे मेरे अंडे बच जाएं। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया अपने अंडों को पत्तों से ढक देती है। अरे अब ठीक है, मेरे अंडे दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर वह कौवा यहाँ आ भी गया तो उसे मेरे घोंसले दिखाई नहीं देगा। अब ऐसा करती हूँ, यहाँ से दूर चली जाती हूँ।
ऐसा कहकर टूनी चिड़िया वहां से दूर एक पेड़ पर बैठकर अपने घोंसले पर नजर रख रही होती है। थोड़ी ही देर बाद वह किडनी चोर कौवा आकर टूनी के घोंसले के पास बैठ जाता है। अरे यहाँ भी कोई पक्षी नहीं है, लगता है सभी पक्षी जंगल छोड़कर चले गए हैं। ऐसा तो आज मेरा शिकार नहीं होगा। अरे एक किडनी चोर कौवा कहाँ से आ गया और आकर उसे मेरे ही घोंसले के पास आकर बैठना था, कहीं इसकी नजर मेरे घोंसले पर ना चली जाए। नहीं, कोई ना कोई पक्षी तो जंगल में होगा ही, इतनी जल्दी कैसे सभी पक्षी जंगल छोड़कर जा सकते हैं? अरे ये पत्ते यहाँ क्यों पड़े हैं? कहीं पक्षी इसके नीचे तो नहीं दबा हुआ है? ऐसा कहकर वह किडनी चोर कौवा सारी पत्तियाँ बिखेर देता है। अच्छा, तो कोई पक्षी मुझसे अपना अंडा छुपाकर चालाकी कर रहा था। चलो कुछ नहीं तो ये अंडे ही खा लेता हूँ, भूख तो इससे भी मिट जाएगी। अरे इसने तो मेरा घोंसला देख लिया, अब क्या होगा, कहीं ये मेरे अंडे ही ना खा जाए। मुझे वहाँ जाना होगा, मुझे अपने अंडे बचाने पड़ेंगे, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया अपने अंडों को बचाने के लिए किडनी चोर कौवा के पास आ जाती है। कौवे भाई, आप ये क्या कर रहे हैं? आप ये अंडे खा रहे हैं क्या? आप ये अंडे मत खाइए, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, कुछ दिनों के बाद इस अंडे से बच्चे निकल आएंगे, तब आप उनकी किडनी निकाल कर खा लेना। आपको तो किडनी ही चाहिए ना? इनकी तो किडनी निकालूंगा ही, पर आज तुम्हारी भी किडनी निकालूंगा। पूरा जंगल देख लिए, आज तो कोई पक्षी ही नहीं है। अच्छा हुआ जो तुम आ गई, अब तेरी किडनी निकालूंगा। अरे कौवा जी, क्या आपको पता है कि मेरी किडनी निकाल कर आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने कल ही डॉक्टर से चेकअप कराई थी। डॉक्टर ने बोला कि मेरे दोनों किडनी खराब है और मैं कभी भी मर सकती हूँ। अच्छा, तो मैं इन बच्चों का किडनी निकाल सकता हूँ ना? कल तक इससे बच्चे निकल जाएंगे ना? मैं कल तक यहाँ बैठकर इंतजार करता हूँ। और फिर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और किडनी चोर कौवा वहाँ बैठकर बच्चे निकलने का इंतजार करने लगता है। अरे अब तो रात भी हो चुकी है, कब निकलेंगे इसमें से बच्चे? अब तो मुझे नींद भी आने लगी है। ऐसा कहकर वह किडनी चोर कौवा वही घोंसले के पास सो जाता है। अरे ये पागल कौवा तो घोंसले के पास ही सो गया, कहीं मैं अंडे लेने जाऊं तो ये जग ना जाए। उसके बाद ये तो मुझे भी नहीं छोड़ेगा, अपने अंडों को बचाने के लिए क्या करूं? मुझे वहां जाना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया वहां आ जाती है। मैं जल्दी से अपने अंडों को उठाकर दूसरी जंगल की तरफ चली जाती हूँ, कहीं ये पागल कौवा जग ना जाए। फिर टूनी चिड़िया अपने अंडों को उठाकर वहां से चली जाती है। फिर सुबह हो जाती है और कौवा जग जाता है। अरे ये अंडे कौन लेकर चला गया? मेरी तो आंख लग गई थी, ये अंडे कौन लेकर चला गया? अच्छा अब समझ गया, मुझे वह चिड़िया बेवकूफ बना गई है। वह उस अंडे को ले गई और खुद भी बचकर निकल गई। अब मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। फिर ऐसे ही कौवा चिल्लाते रह जाता है। फिर एक दिन कुछ पक्षी एक जगह जमा होते हैं, तभी टूनी भी वहाँ पहुँच जाती है। दोस्तों, हमें अपना जंगल छोड़ना पड़ा उस किडनी चोर कौवा के कारण। उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी, फिर भी हमें अपना जंगल छोड़कर आना पड़ा। पता है, मैं तो मरते मरते बची। अरे टूनी बहन, मैंने तो आपको उस किडनी चोर कौवा के बारे में बताई थी, उसने तो मेरे बच्चों को ही मार डाला। उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, इसका तो बदला हम जरूर लेंगे टूनी बहन। हाँ हाँ दोस्तों, मुझे भी उससे बदला लेना है, उसके कारण हमें अपना जंगल छोड़कर आना पड़ा। मुझे भी अपने छोटे छोटे मिट्टू को छोड़ने पड़े। फिर दोस्तों, हम कल ही उस किडनी चोर कौवा से बदला लेंगे और उसे ऐसा मजा चखाएंगे कि वह फिर जिंदगी में किसी की किडनी निकालने के बारे में सोच भी नहीं सकता। फिर सभी पक्षी अपने जंगल वापस आ जाते हैं और उस कौवे को ढूंढने लगते हैं। फिर वह कौवा एक पेड़ पर बैठा हुआ दिख जाता है। अरे रानी बहन, आपको दिख रहा है ना, वह पेड़ पर सामने किडनी चोर कौवा बैठा हुआ है। अब उसे किसी तरह जाल में फंसाना पड़ेगा। अब हम उसे ऐसे जाल में फंसाएंगे कि वह फिर कभी जंगल की ओर देखेगा भी नहीं। हाँ बहन, मुझे भी तो दिख रहा है,
पर डर है कि कहीं आप पकड़ी ना जाए। मुझे बहुत डर लग रहा है, वह कौवा बहुत चालाक है, जरा सोच समझकर काम करना। फिर टूनी चिड़िया उस किडनी चोर कौवा के पास चली जाती है। अरे चिड़िया तुम, मैं तो तुम्हें बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ। तुमने मुझे बेवकूफ बनाई थी, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब मैं तुम्हारी किडनी निकाल लूंगा। कौवा जी, आप मेरी किडनी निकाल लेना, पहले आप मुझे पकड़ो तो सही, अगर आप में दम है तो पकड़ कर दिखाओ। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और फिर किडनी चोर कौवा भी उसके पीछे पीछे उड़ने लगता है। फिर तोता पेड़ पर जाल लेकर बैठकर उसका इंतजार कर रहा होता है। तभी टूनी चिड़िया वहाँ आ जाती है और तोते के पास आकर बैठ जाती है और फिर कौवा भी वहाँ आ जाता है और जैसे ही वह नजदीक आता है तोता उस पर जाल फेंक देता है और कौवा उस जाल में फंस जाता है। अब आएगा मजा, तुम बहुत सबका किडनी निकाल कर मार चुके हो, अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया। तुमने मेरे नन्हे नन्हे मिट्टू को मार डाला था, अब तुम्हें पता चलेगा कि किडनी निकालना क्या होता है। कौवा जी, क्या आपको पता है, आपने बहुत गलत काम किया है। आपने रानी चिड़िया की बच्चों को मार डाला और कुछ पक्षियों को तो आपने बेघर ही कर दिया और किसी का तो आपने घर ही उजाड़ दिया। आपको तो उसकी सजा मिलेगी ही ना। इसे हम पीट पीट कर मार डालेंगे, अगर ये जिंदा रह गया तो किसी ना किसी को ये मारते रहेंगे। अरे छोड़ दो मुझे, मैं अब कभी भी किसी की किडनी नहीं निकालूंगा। फिर सभी पक्षी उस किडनी चोर कौवा को उल्टा लटका देते हैं और लाठी से पीटने लगते हैं। अरे छोड़ दो मुझे, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मैं मर जाऊंगा। अरे कौवा जी, आपने जो मुझे दर्द दिया है उससे तो ये कम है। हाँ चिड़िया बहन, इसे मरने दो, इसने हमें बहुत तकलीफ दिया है। फिर कौवा ऐसे ही लटकते लटकते मर जाता है और फिर जंगल के सभी पक्षियों को उस किडनी चोर कौवा से मुक्ति मिल जाती है और फिर सभी जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। किसी जंगल में टूनी चिड़िया और टूना चिड़ा अपने दो बच्चों के साथ रहते थे। उसकी जिंदगी बड़े मजे से गुजर रही थी। एक दिन टूना चिड़ा टूनी से कहता है, टूनी घर में जितने रुपये पैसे थे सब खत्म होने वाला है और घर चलाने के लिए रुपये की जरूरत होती है, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए बाहर काम काज करने जा रहा हूँ। तुम हमारे बच्चों का अच्छी तरह से ख्याल रखना। आप ठीक कह रहे हैं, आप चिंता ना करें, मैं अपने बच्चों की अच्छी तरह ख्याल रखूंगी, आप बेफिक्र होकर काम पर जाएं। उसके बाद टूना काम पर चला जाता है। उसी जंगल में एक कालू नाम का दुष्ट कौवा का परिवार भी रहता था। वह हमेशा टूनी के बच्चों पर ध्यान लगा कर बैठा रहता था और वह मौके का इंतजार कर रहा था। जैसे ही टूना घर से काम के लिए निकलता है उसे देखकर वह बहुत खुश हो जाता है। हा हा हा, अब टूना तो घर से चला गया है, मुझे इस दिन का बहुत दिनों से इंतजार था। अब मैं जाता हूँ और टूनी के बच्चों को खाकर उसका घोंसला तोड़कर आता हूँ। ऐसा कहकर कालू कौवा टूनी के घोंसले पर आता है और बच्चों को मारकर घोंसले को गिरा देता है और वहाँ से भाग जाता है। यह सब देखकर टूनी वहाँ बैठी बैठी रोने लगती है। उसके बाद टूना चिड़ा अपना जंगल वापस आ जाता है। जंगल आकर देखता है कि उसका घोंसला टूटा हुआ है और बच्चे भी नहीं है और टूनी बैठे बैठे रो रही है। अरे टूनी, क्या हुआ, हमारा घोंसला किसने तोड़ दिया और बच्चे कहाँ हैं? टूना जी, आपके जाने के बाद दुष्ट कौवा यहाँ आया था और वह आकर हमारे बच्चों को मार दिया और फिर घोंसला गिराकर भाग गया। टूनी तुम रो मत, उस दुष्ट कौवा को एक ना एक दिन जरूर सजा मिलेगी। चलो अब हम एक पेड़ पर अपना घोंसला बना लेते हैं। अगले दिन टूनी चिड़िया और टूना चिड़ा मिलकर एक पेड़ पर घोंसला बना लेते हैं। टूनी तुम घर पर ही रहो, मैं जल्द से जल्द पास ही से भोजन लेकर आता हूँ। आप जब भी घर से जाते हैं मुझे बहुत डर लगता है। तुम डरो नहीं,
इस बार मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। यह कहकर टूना अपने घर से चला जाता है। फिर वही होता है जिसका उसे डर होता है। तभी कालू कौवा वहां आ जाता है और टूनी चिड़िया से कहता है, टूनी तुमने इस पेड़ पर घोंसला बना लिया, लेकिन कोई बात नहीं, पर तुम्हारा ये घर बारिश में नहीं टिकेगा। बस कालू कौवा बस करो, जो होगा देखा जाएगा। अब तुम जाओ यहाँ से और दोबारा तुम मेरे घोंसले में नहीं आना। हाँ मैं जा रहा हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है इस बेकार से घोंसले में आने का। यह कहकर दुष्ट कौवा वहाँ से चला जाता है। तभी कालू कौवा का बेटा राजू कौवा खेलते खेलते जंगल से दूर निकल जाता है और उसे ये तो पता ही नहीं होता है कि वह चील के इलाके में पहुंच गया है। फिर एक चील राजू कौवा को देख लेता है। अरे वाह, इतने दिनों के बाद कोई शिकार दिखाई दिया, चलो चलते हैं और इस छोटे से कौवे को मारकर अपना पेट भरते हैं। यह कहकर चील राजू कौवा को पकड़ने चला जाता है। फिर वहां जाकर राजू कौवा को पकड़ लेता है और उसे मार कर खा जाता है। फिर रात हो जाती है, फिर भी राजू कौवा अपना घर वापस नहीं आता, जिस कारण गोरी कौवी और कालू कौवा बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। कालू जी, अब तो रात भी बहुत हो चुकी है, लेकिन अभी तक मेरा बेटा वापस नहीं आया है, आप जाएं और उसे जंगल में ढूंढें। गौरी, मैंने राजू बेटे को जंगल में कहां कहां नहीं ढूंढा, लेकिन राजू मुझे नहीं मिला, ना जाने हमारा बेटा कहां चला गया। आप कुछ भी करें, लेकिन मेरा बेटा मुझे ढूंढ कर दे, आप जाएं और उसे ढूंढें। मुझे तो लगता है ये सब कुछ उस टूनी चिड़िया ने किया है, मैंने उसके बच्चों को मार डाला था ना, इस कारण टूनी चिड़िया मुझसे बदला ले रही है और मेरे राजू कौवे को उसने कहीं छुपा दिया है। तो चले कालू जी, हम टूनी चिड़िया से ही पूछते हैं कि वह हमारे राजू को कहाँ छुपाया है। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा टूनी चिड़िया के पास चले जाते हैं। टूनी सच बोलो, तुमने मेरे राजू को कहाँ छुपाई हो। कालू कौवे आप मुझ पर विश्वास करें, मैंने राजू कौवे के साथ कुछ नहीं किया, मुझे पता नहीं है कि राजू कौवा कहाँ है। तुम झूठ बोल रही हो टूनी, मैं जानता हूँ कि तुम बदला लेने के लिए मेरे राजू के साथ बहुत बुरा कर रही हो। देखो कालू कौवे, एक बार टूनी ने कह दी ना कि उसने राजू कौवे को कहीं नहीं छुपाई है। चलो अब यहाँ से चले जाओ, अब तुम हमारा समय बर्बाद मत करो। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं। फिर इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। तब टूनी चिड़िया एक अंडा देती है और वह अंडा देखकर बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ गोरी कौवी भी एक अंडा देती है, जिससे वे दोनों भी बहुत खुश होते हैं। पता है कालू जी, टूनी चिड़िया ने एक अंडे दी है, जिस कारण टूनी बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन मैं तो टूनी चिड़िया को कभी माफ नहीं करूंगी, क्योंकि उसने मेरे राजू कौवे के साथ बहुत बुरा किया है। माफ तो मैं भी नहीं करूंगा उसे, बस एक बार उसके अंडे से तो बच्चे निकल जाए, फिर देखो मैं उसके बच्चे के साथ क्या करता हूँ। फिर इस तरह और कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर टूनी चिड़िया के अंडे से एक प्यारी सी चिड़िया निकल आती है, जिसे देखकर टूनी और टूना बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ कालू कौवा के वहां भी एक प्यारा सा कौवा अंडे से बाहर आता है, जिसे देखकर वे दोनों भी बहुत खुश होते हैं। गौरी, मैं आज अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे अभी टूनी चिड़िया पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि उसके अंडे से भी एक प्यारी सी चिड़िया निकली है। मुझे किसी भी तरह उस नन्ही चिड़िया को मारकर अपने राजू कौवे का बदला लेना है, पर गौरी मैं ऐसा क्या करूं जो टूनी चिड़िया से अपना बदला ले सकूं? मेरे पास एक बहुत अच्छा उपाय है, आप मेरी बात गौर से सुने। उस पहाड़ी में जो बाजू चील रहता है, आप उसके पास जाएं और उसे बताएं कि टूनी चिड़िया के अंडे से एक नन्ही सी चिड़िया निकली है। फिर देखना आप बाजू चील को किसी भी तरह उस चिड़िया का शिकार करके ही रहेगा।
हाँ रानी, तुम ठीक कह रही हो। मैं अभी जाकर बाजू चील को सब बता देता हूँ। यह कहकर कालू कौवा बाजू चील के पास चला जाता है। सब ठीक तो है ना कौवे, तुम आज क्यों मेरे इलाके में आए हो? देखो चील भैया, मैं यहाँ तुम्हारे ही फायदे के लिए आया हूँ। मेरा फायदा? बताओ तुम मेरी किस फायदे की बात कर रहे हो? चील भैया, हमारे जंगल में जो टूनी चिड़िया रहती है, उसके अंडे से एक नन्ही सी चिड़िया निकली है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ जंगल में चले और उस नन्ही सी चिड़िया का शिकार कर ले। नन्ही सी चिड़िया? अरे वाह, कितने दिन हो गए मुझे किसी नन्ही सी चिड़िया की शिकार किए हुए। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा और उस नन्ही सी चिड़िया की शिकार करके ही आऊंगा। तो फिर देर किस बात की चील भैया, चलो मेरे साथ, मैं अभी नन्ही चिड़िया के पास ले जाता हूँ। जब कौवा और चील इस तरह बात कर रहे होते हैं, तभी सारी बात टूना चिड़िया सुन लेता है और तुरंत ही अपने घोंसले की तरफ चला जाता है। टूनी, जल्दी यहाँ से भागो, कालू कौवा बाजू चील को अपने साथ यहाँ लेकर आ रहा है और वह बाजू चील हमारी नन्ही सी चिड़िया को खा जाएगा। अरे इस तरह की बात है तो फिर जल्दी चले यहाँ से। तभी टूनी और टूना अपनी बच्ची को लेकर जंगल से दूर चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब कालू कौवा बाजू चील को लेकर टूनी चिड़िया के घोंसले में आता है, तो देखता है कि वहाँ तो कोई भी नहीं है। ओ कौवे, कहाँ है वह नन्ही सी चिड़िया? मुझे तो यहाँ कोई भी नहीं दिख रहा है। चील भैया, मेरा विश्वास करे, टूनी चिड़िया टूना चिड़ा थोड़ी देर पहले अपनी बच्ची के साथ यही थे, ना जाने अब वे कहाँ चले गए। मैं सब जानता हूँ, तुम जैसे चालाक कौवे हम जैसे चीलों को बेवकूफ बनाते हैं और हमारा मजाक बनाते हैं, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर बाजू चील को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिस कारण बाजू चील कौवे पर हमला कर देता है और उसे जान से मार डालता है। फिर इस तरह से कालू कौवे को अपनी गलती की सजा मिल जाती है। फिर गोरी कौवी अकेली पड़ जाती है और टूनी और टूना अपने बच्ची के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और बेल आइकन को भी दबाना ना भूले, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।